इंडिया टीवी आपकी आवाज। महिला आरक्षण बिल पर बोली प्रेसिडेंट मुर्मू, ये बिल लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी पहल। संसद में महिला आरक्षण पर बहस पर बोली सोनिया गांधी, हम नारी शक्ति बिल के साथ राजीव गांधी का सपना पूरा होगा। सोनिया बोली, महिलाओं के पास समंदर जैसा धीरज, महिलाओं ने अपने साथ हुए अन्याय की शिकायत नहीं की। सोनिया गांधी की मांग, बिल में ओबीसी महिलाओं को मिले आरक्षण, जातिगत जनगणना कराए सरकार। संसद के बाहर महिला आरक्षण बिल पर बोली सोनिया गांधी, ये राजीव गांधी का सपना था। सोनिया गांधी के स्पीच पर अमित शाह का जवाब, महिलाओं के बारे में सोचने का सभी को अधिकार। लोकसभा में बोले निशिकांत दुबे, कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लटकाए रखा, हम बिल लेकर आए हैं तो कांग्रेस को दर्द। निशिकांत का कांग्रेस पर वार, राजनीति के लिए बिल लटकाए रखा, लेकिन पीएम मोदी जो शुरू करते हैं वो पूरा करते हैं। निशिकांत दुबे बोले, सोनिया गांधी लेना चाहती है क्रेडिट, ये बिल पूरी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी का। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का सवाल, कांग्रेस ने 10 साल की सरकार में क्यों पास नहीं कराया बिल। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर बोले, 2010 में कांग्रेस राज्यसभा में लाई थी बिल, बीजेपी के समर्थन के बावजूद लोकसभा में नहीं किया पेश। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, हर पार्टी महिला आरक्षण बिल के साथ, लेकिन टर्म कंडीशन के साथ बिल लाई सरकार। महिला बिल पर सीएम नीतीश की मांग, एससी एसटी के साथ पिछड़े अति पिछड़ी महिलाओं को भी मिला आरक्षण। महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, ये पीएम मोदी का एक और जुमला है, बोले आपके सांसद संजय सिंह। बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, महिला आरक्षण पर आज तक जनता को भ्रमित करते रहे ईडी गठबंधन के लोग। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार का बयान, उमा भारती ने बिल से संबंधित कई मुद्दों को उठाया, ओबीसी महिलाओं को भी मिले हक। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी की मांग, 2024 चुनाव में ही महिलाओं को मिला आरक्षण, सरकार दे गारंटी। मायावती ने बिल पर उठाए सवाल, आरक्षण 15 साल की क्यों, परिसीमन के बाद लागू होने में लगेंगे कई साल, सरकार का मकसद चुनाव में फायदा उठाना। मायावती बोली, आरक्षण पर बीजेपी कांग्रेस की नीयत साफ नहीं, एससी एसटी को अलग से और ओबीसी महिलाओं को भी मिले कोटा। जेडीयू चीफ ललन सिंह बोले, महिला आरक्षण बिल बीजेपी का जुमला, गरीबों के साथ न्याय में बीजेपी को भरोसा नहीं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, बिल पर क्रेडिट लेने की लड़ाई बंद होनी चाहिए। लोकसभा में बोली डीएमके सांसद कनिमोई, विधेयक के पहले विपक्ष के साथ क्यों नहीं हुई चर्चा, गोपनीय तरीके से क्यों लाए बिल। फारूक अब्दुल्ला बोले, बिल में ओबीसी महिलाओं को किया जाए शामिल, बाकी बिल अद्भुत। बिल में 2024 के लिए कोई प्रावधान नहीं, इसे लागू होने में लगेंगे 10 से 20 साल, बोले आपके सांसद सुशील गुप्ता। बिल पर चर्चा से पहले विपक्षी दलों की बैठक, संसद में खड़गे के ऑफिस में नेताओं ने रणनीति पर चर्चा की। महिला आरक्षण बिल पर बोले कानून मंत्री मेघवाल, सीटें बढ़ने के साथ बढ़ता रहेगा आरक्षण, बहस में मिले सुझावों पर होगी बात। संसद के विशेष सत्र में एक और विवाद, अधीर रंजन बोले सांसदों को दी गई संविधान की प्रतियों में प्रस्तावना नहीं। अधीर रंजन का आरोप, बड़ी चतुराई से दिया गया अंजाम, सरकार के इरादे पर हमें संदेह, मेरे लिए ये चिंता का विषय। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। अधीर रंजन के सवाल पर कानून मंत्री मेघवाल का जवाब, सांसदों को दी गई मूल संविधान की कॉपियां। केसी वेणुगोपाल बोले, स्मृति ईरानी को पीएम ने गांधी परिवार को गाली देने के लिए रखा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिया हिस्सा। सीएम कृषक मित्र योजना पर बोले सीएम शिवराज, कमलनाथ पैसे का रोना रोते थे, मेरे पास नहीं है पैसे की कमी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू धर्म पर विवादित बयान, कहा कि हिंदू फारसी का शब्द है, फारसी में इसका मतलब है चोर और नीच। स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म को मानने से किया इनकार, कहा कि अगर हिंदू धर्म होता तो सभी को बराबरी का दर्जा मिलता। भारत कनाडा के बीच बड़ी तल्खी, कनाडा में जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाने की नसीहत। कनाडा ने जम्मू कश्मीर को सुरक्षा के लिहाज से बताया खतरनाक, कहा कि आतंकवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा। विवाद के बाद कनाडा के पीएम की सफाई, हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि भारत इस मुद्दे को ठीक से हल करें। कनाडा के आरोपों के बाद भी ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगा, ब्रिटेन सरकार का बयान। जम्मू में डोगरा फ्रंट का कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन, खालिस्तानी आतंकी की हत्या का भारत पर लगाया आरोप। कनाडा के मामले पर बोले बीजेपी अध्यक्ष विजयंत जय पांडा, आतंकवादियों का तुष्टीकरण, संरक्षण और समर्थन कर रहा है कनाडा। दिल्ली में कावेरी जल विवाद पर बड़ी बैठक, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले डीके शिवकुमार, मंत्री टीबी जयचंद्र और दो सांसद साथ, कावेरी मुद्दे पर बात देने का दिया आश्वासन। असम में सीएम आत्मनिर्भर असम अभियान होगा शुरू, सीएम हिमंता ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए यूपी सरकार का कदम, विधायी विभाग के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई।
एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ का ट्वीट, अनूपपुर जिले में आदिवासी शख्स की हुई पिटाई, बीजेपी नेता पर पिटाई का आरोप लगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की पूजा, दिल्ली के कर्नाटक भवन में गणपति के लिए आशीर्वाद लिया। सूरत में पुलिस की साइबर सेल ने बनाया गणपति पंडाल, साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने का संदेश भी दिया। श्रीनगर के गणपत रायार मंदिर में हो रहा है गणेश पूजा, भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु।